lights, it felt right. We were alive, we would go out. We were so loud, we were so proud. We had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. सो हाय गाइज व्हाट्सअप। तो कैसा लगा भाई लोग न्यू ब्रेक? आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को पहले से लाइक करके रखना, ठीक है। तो यार इस तरीके के न्यू इनडायरेक्ट ब्रेक और एडवांस ब्रेकिंग टेक्निक्स डिस्कवर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत और टाइम लगता है, बहुत सोचना पड़ता है भाई लोग। तो आप लोग ये भी अच्छी तरीके से जानते हो कि बहुत टाइम मेहनत और सोचना पड़ता है तभी जाके इस तरीके के ब्रेक्स हम लोग डिस्कवर कर पाते हैं। तो यार ये सब ब्रेकिंग टेक्निक्स आप लोग के लिए मैं आजकल बहुत सारे मतलब न्यू ट्रिक्स और टिप्स लेकर आ रहा हूँ कैरम पूल के अंदर। तो भाई लोग ये जो ब्रेक वगैरह है ये सिर्फ अपने ही चैनल पर देखने को मिलता है भाई लोग सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि यार ये सब मैं खुद डिस्कवर करता हूँ बहुत प्रैक्टिस करने के बाद में। तो भाई लोग यार ये सब आप लोग के लिए कर रहा हूँ मैं, आप लोग के इंटरटेनमेंट के लिए और फन के लिए। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, वीडियो को पहले से लाइक करके रखना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखना ताकि आने वाले जो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो चलो भाई लोग ये तो ब्रेक टू फिनिश था, एक शानदार ब्रेक टू फिनिश विद अ न्यू ब्रेकिंग टेक्निक। और यहाँ पे ये सेकंड मैच देखना भाई लोग सिंगापुर प्लाजा पे, ये थोड़ा डिफेंसिव टाइप का गेम प्ले है और बहुत ही हार्ड मैच है। ब्रेक तो यहाँ पे अपने को मिला था, मैंने यहाँ पे अपने टू पक्स ओपन करने की ट्राई किए लेकिन सिर्फ अच्छे से तो एक पक ही ओपन हुआ, दूसरी पक जो है थोड़ा वो ओपन नहीं हुआ। तो क्या कर सकते हैं भाई लोग, अभी फिर से एक बार हमें ओपन ही करना पड़ेगा उसी पक को। सो लेट मी गिव अ ट्राई। ओके तो वो पक तो भाई लोग मैंने इजीली ओपन कर लिया, अभी देखते हैं अपने ओपोनेंट क्या करते हैं। ओके अरे यार ये तो थर्ड पकेट स्टाइल में बहुत ही अच्छा शॉट था, तो इन्होंने मेरा पक्स जो है वो पॉकेट कर लिया। तो अभी मेरे पास खेलने के लिए कोई भी अपने पक्स नहीं बचे, तो मुझे अभी फॉल करना पड़ेगा और अपने पक्स को बाहर निकाल रहा हूँ मैं। तो देखा गाइस यार यहाँ पे बहुत ही डिफेंसिव टाइप का गेम प्ले चल रहा है, ओपोनेंट भी अपने पक्ष को ओपन नहीं कर रहे हैं, मैं भी बहुत ही केयरफुली खेल रहा हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे गलती से भी थोड़ी सी भी मिस्टेक आ जाती है तो भाई लोग ओपोनेंट जो है वो फिनिश कर देता है। तो बहुत ही केयरफुली खेलना पड़ता है हमको बड़े टेबल स्पेशली सिंगापुर न्यूयॉर्क मुंबई पे। तो भाई लोग आप लोग गेम प्ले तो देखते ही हो, गेम प्ले तो चलता रहता है और आप लोगों से मैं बातें भी करता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने अपने तीन पक्स जो है थोड़े ओपन करने की ट्राई किया, तो ये मैंने क्यों किया क्योंकि अगर मैं अपने पक्स ज़्यादा ओपन करूँगा तो मेरे पास ज़्यादा चांसेस रहेंगे बोर्ड को ओपन करते हुए खेलने में। अभी जैसे यहाँ पे देखो भाई लोग अपोनेंट ने एक पक तो अंदर मतलब डिफ़िकल्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे अपने पास दूसरा ऑप्शन है ये कनेक्शन शॉट का, तो इसको मैंने कनेक्शन एडजस्ट करके मारा। मैं सोच रहा था कि यार अपने सारे पक्स ओपन हो जाएंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर देख सकते हो फंस चुके हैं फिर भी हम लोग यहाँ पर अगेन। तो देखो अभी ओपोनेंट का भी उतना अच्छा तो नहीं है, उनके ओपोनेंट भाई के भी पक्ष तो फंसे हुए, तो चलो हम अपने पक्ष निकालने की ट्राई करते हैं यहाँ पर। और ओपोनेंट ने वे अपने ही पक्ष को ट्राई किया निकालने के लिए, चलो इसको हम पॉकेट कर देते हैं। अगर इसको हमने पॉकेट नहीं किया होता तो यार ओपोनेंट उस पक का एडवांटेज लेके अपने सारे बोर्ड को फिनिश कर देता। तो ये तो आप लोगों को अभी पता चल ही चुका होगा किस तरीके से खेलना है गेम को। और जो भी जो जो भाई लोग नए लोग हैं कैरम पूल गेम के अंदर जो नए जुड़ते हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल होती है ऐसे शॉट समझ में लेने के लिए। अभी यहाँ पे देखो भाई लोग ये शॉट मैं इशारा कर रहा था अभी, तो इसको थर्ड पकेट स्टाइल में एक कनेक्शन शॉट यहाँ पे बन रहा था, तो इसको फिर से एक बार देखिए। तो देखो गाइस यार यहाँ पे जो दो चीज़ होती है भाई लोग स्पेशली यहाँ पे, एक होता है आप लोग को ऑब्जर्व करना होता है बोर्ड को, ठीक है, अपने पक्ष को ओपोनेंट की पक्ष को सारा मतलब पूरा बोर्ड का जो पक्ष अरेंजमेंट है उनको अच्छे से ऑब्जर्व करके समझना है कि किस तरीके का है। तो ये तो फर्स्ट ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। और दूसरा है भाई लोग आप लोग का एक्यूरेसी मतलब यार कॉन्फिडेंस कितना है उस पक को खेलने के लिए, ठीक है, बोर्ड को फिनिश करने के लिए। तो ये दो चीज़ भाई लोग अगर आप लोग सही कर लोगे ना तो यार आप लोग में मतलब बोर्ड को ईजिली फिनिश कर सकते हो आप लोग भी, और उसके लिए तो भाई लोग प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अब जब आप लोग कर सकते हो, ठीक है, बोर्ड को ऑब्जर्व कर सकते हो, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे गेम प्ले वगैरह देखोगे यूट्यूब वीडियोस में तो आप लोग ऑब्जर्व करना तो सीख जाओगे, लेकिन एक्यूरेसी मतलब पॉक्स को पॉकेट करने के लिए आप लोग को खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप लोग को गेम खेलना पड़ेगा फेयर गेम प्ले तभी आप लोग कर पाओगे, ठीक है। और भाई लोग यार मैं बात कर रहा हूँ फेयर गेम प्ले का क्योंकि यार मैं हमेशा फेयर गेम प्ले को ही सपोर्ट और प्रमोट करता हूँ यूट्यूब या फिर कहीं पे भी।
क्योंकि यार मैं भी एक फेयर प्लेयर हूँ और जितने भी फेयर प्लेयर्स हैं उनको भी मैं सपोर्ट करता हूँ। यार अभी क्या बताऊँ मैं, अभी आजकल तो यार इतने ज़्यादा थर्ड पार्टी ऐप्स आ चुकी है गेम के अंदर, ताकि यार उनसे बहुत ही ईजी हो जाता है गेम खेलने के लिए। ये तो मतलब चीट जैसा है भाई लोग, ठीक है, हैक, पूरा हैक तो नहीं बोलूँगा लेकिन फिर भी एक चीटिंग टाइप का है, ठीक है, क्योंकि आपको एमिंग वगैरह सब ईजी मिल जाता है। और भाई लोग जो जो न्यू प्लेयर से, जो जो बिगिनर से गेम के अंदर, उनको यही बोलूँगा कि यार उस तरीके के टूल्स यूज़ ना करो, क्योंकि अगर उस तरीके के टूल्स की मदद से आप लोग सीखोगे तो बाद में जब आप फेयर गेम प्ले करोगे या फिर आगे जाके अगर फ्यूचर में कभी लुल्लू वगैरह बीटीएम वगैरह सब कुछ चला गया तो यार आप लोग का मतलब क्या होगा आप लोग खुद समझ सकते हो। क्योंकि यार अगर फेयर गेम प्ले से सीखोगे ना तो यार हमेशा आपका काम आएगा, लेकिन अगर चीटिंग वगैरह करके वो चीट्स वगैरह टूल्स वगैरह यूज करके खेलोगे गेम तो आप सीख नहीं पाओगे, बस क्वेंस थोड़े बहुत बना लोगे लेकिन भाई लोग उसका कुछ काम नहीं है, ठीक है, विदाउट एनी स्किल्स क्वेंस का मतलब कुछ भी मतलब ही नहीं बनता। तो चलो यार यहाँ तो मैं कुछ ज़्यादा ही भाषण दे रहा हूँ, ओके। तो ये देखो भाई लोग सिंगापुर पे अभी यहाँ पे स्ट्रेट वाला ब्रेक है, तो ये ब्रेक टू फिनिश आप लोग ज़रूर से देखना। यहाँ पे इस तरीके के ब्रेक खेलने के लिए स्ट्राइकर को थोड़ा पावरफुल होना जरूरी है भाई लोग, ठीक है, पहले ही बता देता हूँ मैं आप लोग को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीजेंडरी स्ट्राइकर से ही ये स्ट्रेट वाला ब्रेक, अभी जिस तरीके से मैं ब्रेक को ओपन किया उस तरीके से ओपन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लीजेंडरी स्ट्राइकर से ही हो सकता है, कोई भी स्ट्राइकर हो लेकिन थोड़ा सा पावरफुल होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि ट्विस्टर ले लो, माया ले लो, या फिर और भी वायलेट वगैरह और भी है बहुत सारे स्ट्राइकर्स जिनका पावर थोड़ा हाई है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। और बाकी का भाई क्या बोलूँ मैं कि क्वेन सेल जो है भाई लोग अपने चैनल के थ्रू अभी हो रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में अगर आप लोग कोई आप लोगों में से कोई कोइंस वगैरह बाई करना चाहता है, परचेज करना चाहता है कैरम बुलकल एट लो प्राइस में, ठीक है, कंफर्टेबल प्राइस में, लो प्राइस या अफोर्डेबल प्राइस में, तो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पे आप लोग को एक लिंक मिलेगा शुरू में, वहाँ पे मैंने दे के रखा हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करके, तो वहाँ पे मतलब क्लिक करके अच्छा से डील करके ले सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। अपना ही गेमिंग स्टोर है 100% ट्रस्टेड और चीप प्राइस में, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हो। तो चलो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही था, आई होप यू गाइज लाइक्ड द वीडियो, और पसंद आया तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करके रखना, 50K बहुत जल्द करवाना है हमको। सो दिस मच फॉर नाउ, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्लेइंग, कीप रॉकिंग एंड स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।